start. Today's topic is your array. So basically, first tell me, what do you mean by array? Array का मतलब क्या होता है? Collection of data. It can store. Array means, you know, it says here can perform multiple calculations. Now guys, once in a while sir वो store कर सकते हैं ना, दो मतलब दो condition दी है तो उसमें एक उसका data उसने collect किया फिर उसके second condition compare की, वो था ना example उसके अंदर. See, basically array नाम का कोई formula होता ही नहीं है. इस system में array नाम का कोई भी formula नहीं है. Array does what? एक तो array काम करता है calculation. What did I said? Calculation. और दूसरा ये करता है डेटा को क्या बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन. कैलकुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये दो में आप उसका यूज कर सकते हो. अगर मैं यहाँ पे सम लिखता हूँ तो देर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड एज सम. कैन आई टाइप देर इज अ फॉर्मूला अरे? नो. सो दैट मीन्स देर इज नो फॉर्मूला एट ऑल. इट इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच यू कैन सिंप्लीफाइड योर फॉर्मूला. फॉर्मूला को सिंप्लीफाइड. और ये अरे अकेला काम नहीं कर सकता, इट रिक्वायर्स समवन. लाइक सम के साथ आप अरे यूज करो, आप मैक्स के साथ एरे यूज करो, इफ के साथ यूज करो, दैट कैन बी डन. बट वो अकेला कोई काम नहीं कर सकता. ओके, लेट्स हैव अ स्मॉल एग्जांपल. यहां पे मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5. आप देख सकते हैं मैंने नंबर क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7. सो दैट मीन्स ये नंबर को स्टोर करने के लिए आई नीड अ सेवन सेल. अब मैं चाहता हूं कि ये जो सेल है मैं एक ही सेल में लिखता हूं. मुझे ऐसे सेवन में नहीं लिखना, मुझे तो एक ही सेल में लिखना है. क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो मैं सेलेक्ट कितना कर रहा हूं, सेवन सेल को मैंने सेलेक्ट किया. हाउ मेनी? अब यहां पे मैं इसको एरे में दे देता हूं. नाउ दिस इज अ ब्रैकेट ऑफ योर एरे. यहां पे लिखता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. आपने देखा मैंने सब डेटा एक ही सेल में लिखा है. क्या किया है? सब डेटा एक ही सेल में. अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? द डेटा हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच एंड एवरी सेल. वो भी 1 1 1 करके जाना चाहिए. तो यहां पे प्रेस करता हूं कंट्रोल शिफ्ट और एंटर. क्या किया इसने? सो दैट इज अ रोल ऑफ योर एरे कि डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. समझा? अब सपोज इसे हम लोग सिंगल डायमेंशनल भी बोल सकते हैं. अब मेरा डेटा ऐसा नहीं है, डेटा कुछ इस तरह के पैटर्न में है. फॉर एग्जाम्पल नेम और कलेक्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ओके, वेरी गुड. नेम में मैं यहाँ पे लिखता हूँ और कलेक्शन लिखा 250. यहाँ पे लिखा श्याम और कलेक्शन 150. यहाँ पे लिखा गिरीश और कलेक्शन 650. अब ये डेटा स्टोर करने के लिए हाउ मेनी सेल्स आई रिक्वायर्ड? थ्री. हाँ, थ्री कैसे हुआ? दिस इज वन सेल, टू, देन थ्री, देन फोर, देन फाइव, देन सिक्स, देन सेवन, देन एट. So that means I need 8 cell to store the data. Correct. अब मैं ये data के लिए same pattern यहाँ पे follow कर रहा हूँ guys. 1, 2. कितने row और कितने column है सिमरन? कितने row? सही बोल रही है. कितने row? चार column. चार row और दो column. उसने तो चार column बोला, दो row. सही क्या? चार रो होगा. यस, नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर. चार रो और दो कॉलम. करेक्ट, मतलब अकॉर्डिंगली हमारा डेटा यहाँ पे स्टोर होना चाहिए. ओके, लेट अस बिगिन. इक्वल टू, देन वापस किसको कॉल किया? एरे. अब ये जो डेटा है ना, इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट. तो मैं डबल कोट्स में लिखता हूं नेम. क्या लिखा? डबल कोट्स में नेम. अब उसके बाद मुझे इसको नेक्स्ट कॉलम में ले जाना है. नेक्स्ट क्या दिया? कॉमा. फिर डबल कोट्स के बाद यहां पे दिया कलेक्शन. यहां तक क्लियर? अब नेक्स्ट कॉलम में ले जाना है या नेक्स्ट रो में ले जाना है? नेक्स्ट रो में. टर्मिनेट किया, फिर वापस क्या लिखा? फिर डबल कोट्स कॉमा, अभी क्या 250 बट विदाउट डबल कोट्स बिकॉज दिस इज अ नंबर. नेक्स्ट रो में ले जाना है या कॉलम में? नेक्स्ट रो. तो वापस टर्मिनेट किया,
अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वे ऑफ राइटिंग. वापस क्या लिखा? श्याम. फिर कॉमा, देन 150. अरे करेक्ट ना. वापस नेक्स्ट रो या कॉलम? रो. करेक्ट. फिर यहाँ पे क्या लिखा? गिरीश. फिर वापस कितना? 650. करेक्ट. नेक्स्ट रो या नेक्स्ट कॉलम? हो गया क्लोज. अब एंटर के जगह पे क्या? कंट्रोल शिफ्ट और क्या? आप देख के बता सकते हैं डेटा जैसे ऊपर लिखा था वैसे नीचे आया या नहीं आया? सो दिस इज कॉल्ड एज अरे. क्या बोलते हैं हम लोग इसे? अरे. सो यहां दोनों में इसने क्या किया? कैलकुलेशन कुछ नहीं किया. क्या किया? ओनली पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो दैट इज व्हाट आई कॉल इट एज कि एरे का काम है डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना. नहीं समझा? समझा. अब हम चलते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली पार्ट में. किधर? कैलकुलेशन वाली पार्ट में. ओके. नाउ सपोज आई हैव अ डेटा क्वांटिटी रेट और अमाउंट. इज इट क्लियर? क्वांटिटी सब मैं 1, 2, 3 ले लेता हूँ, चलेगा गाइस? और ये 100 ही लिखता हूँ मैं, ठीक है? क्या बता सकते हैं टोटल कितना आएगा? दिस इंटू दिस. एंटर. यस सर, आई गॉट इट. Now to perform the final total, I repeat, to perform the final total, I need to do one more calculation, that is this and this. I did individual calculation, that is quantity into rate, and after doing the individual calculation, then I add all the amounts to, and then I got the consolidated amount, that is total. लेकिन इसके लिए पहले individual करो और फिर ऐसे जाओ. Okay, same process can be done with the help of array. Let me try with the help of array. Equal to सम. सम करना है मल्टीप्लाई करना है? तो ये सम करेगा या मल्टीप्लाई करेगा? पहले मल्टीप्लाई फिर सम. ओके, कोई बात नहीं. अब मैंने इसको बुलाया सम को. करेक्ट ना? एक और ब्रैकेट चाहिए तो ले लो, नहीं लिया तो भी चलता है, कोई बात नहीं. चलो पहले मैंने इसको ले लिया या क्वांटिटी ले लेता हूँ. ओके, मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ? रेट के साथ में. अब इसके बाद हम एंटर नहीं करेंगे. अगर एंटर करेंगे तो वो एक ही सेल में कैलकुलेशन करेगा. ये प्रोसेस मुझे रिपीटेशन टास्क में डालना है. तो कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर. क्या इसका फाइनल आंसर और इसका आंसर आपको एक जैसा दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? हाँ, एक ही है तो एक ही दिखना चाहिए. करेक्ट. बट ये प्रोसेस में मुझे क्या करना पड़ा? इंडिविजुअल और बाद में टोटल. और ये प्रोसेस में एक ही टाइम पे योर टास्क इज डन. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? एरे. तो अब एरे ने क्या किया? सॉरी, कैलकुलेशन. ये डिस्ट्रीब्यूशन है. समझ में आई बात क्या नहीं आई? सो एरे डज व्हाट? कैलकुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. दूसरा काम ये करता ही नहीं है. सर इधर एरे क्या हुआ? ये जो ब्रैकेट आप दिखाई दे रहे हैं ना, ये एरे का ब्रैकेट. ओके चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैव अ सर्टेन डेटा. यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है. क्या लिखा है? डेटा लिखा हुआ है. गाइस क्वेश्चन क्लियर हुआ है? डाउट है किसी को? हाँ ओके, सभी को क्वेश्चन क्लियर है. चलो पर मुझे थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में. कौन आंसर देना चाहता है? लग लगा है वही है. बोलो कौन आंसर देना चाहता है? वही तो पता नहीं है, है ना? हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम क्वेश्चन ही पता नहीं कर रहे हैं. मैं चाहता हूं कि अमित का मैक्सिमम चाहिए. बोलो सिमरन क्या करेंगे? मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या? इधर से इधर नहीं, किधर से किधर? पहले अमित को करेंगे. पहले अमित, ठीक है इसका नंबर हो जाने दो, तब आपको बुलाता हूँ. हाँ प्लीज कंटिन्यू सिमरन, गो अहेड. हाँ बोलो जल्दी जल्दी, कम ऑन. यस, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया. करेक्ट ना? अब अगर सपोज पूजा के 300 सेल हैं तो इधर क्या आ रहा है? बट ये किसका है? ये एंटायर लिस्ट का मैक्सिमम है. एंड माय क्वेश्चन इज व्हाट? सिर्फ अमित का मैक्सिमम. इसका मतलब यू कैन नॉट फाइंड अ मैक्सिमम लाइक दिस. ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्वेश्चन क्लियर हुआ कि डाउट है? सो अब इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले क्या कर दें? करेक्ट. क्वेश्चन क्या है एक बार रिवाइज करो. बोलो अमित का मैक्सिमम. ओके
सो मैक्स तो चाहिए, इतना तो समझ में आया। अगर मैक्स में मैं ऐसी दो वैल्यू लिखता हूँ 200, 350, तो ये क्या करेगा, गो फॉर द हायर वैल्यू दैट इज 3500। ओके, मैं भी यही स्टेप को रिवाइज करता हूँ, करना यही स्टेप है, लेकिन सबसे पहले मैंने बोला मैक्सिमम चाहिए, लेकिन अगर पहले मेरा लॉजिकल टेस्ट क्या है सर, टेस्ट आपका, तो मैंने बोला ये पूरा सेल्समैन का नाम लेना और सेल्समैन नेम इज इक्वल टू व्हाट, अगर अमित है तो, अरे क्लियर ना, तो फिर जाना नेट सेल में। क्या कोई नेट सेल का वैल्यू चाहिए? हाँ जी, नेट सेल का वैल्यू चाहिए। फॉल्स हुआ तो क्या, मेरा रिक्वायरमेंट ही नहीं, आई डोंट वांट एनीथिंग, जस्ट क्लोज किया ब्रैकेट और प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। एंटर किया तो नहीं आएगा गाइस। अब ये करता क्या है कि पहले यहां से लेके यहां तक के सेल में अमित को चेक करता है और उसमें से जो जो अमित की वैल्यू मिलती है वो कलेक्ट करता है और उसमें से हाईएस्ट आपको फाइंड करके देता है। कितना आया, चलो चेक कर लेते हैं, अमित कितना है, अमित का बोलो गाइस, क्लियर, और कौन है अमित, ये तो रुपेश है, हाँ करेक्ट, बट आई गेस स्टिल अमित का मार्क्स क्या नहीं है, 90 हाईएस्ट है या नहीं है। तो इस तरह से किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी हम ढूंढ सकते हैं, यस और नो। तो ये किसका हाईएस्ट बता रहा है, ये अमित का। अब आपने बोला सर अमित का यहाँ पे मैक्सिमम नहीं चाहिए, भाई अमित का क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए, लोवेस्ट। तो टेक्निक सेम, क्या यूज करेंगे बोलो, मिनिमम और इफ, पहले ये चेक करो यहां से लेके यहां तक इज इक्वल टू व्हाट, अगर ये अमित है तो क्या करना, इस मार्क्स में जाना, ब्रैकेट क्या करेंगे क्लोज और एंटर के जगह पे कंट्रोल शिफ्ट और, सो अमित के मिनिमम कितने आ गए गाइस, 22। समझ में ही बात, कुछ कितने आ गए 20। सो इस तरह से आप इस एरे को किसी भी कैलकुलेशन पर्पस में यूज कर सकते हैं। समझा मेरी बात, क्या नहीं समझा ना, हम लोगों ने लास्ट सेशन में एक वी लुकअप देखा था, किसी को याद है क्या, किसको याद है, मैं खुद भी नहीं था, परचेज सेल एंड देन आई हैव अ प्रॉफिट और यहाँ पे उसको ग्रेड दे देते हैं, लेट्स हैव अ स्मॉल, ज्यादा नहीं बड़ा लेंगे हम लोग, एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। ओके चलो, कोई लॉस प्रॉफिट क्या आने का, नहीं ये लेना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज मैनिपुलेट भी करनी है मुझे, ठीक है, प्रॉफिट विल बी दिस माइनस दिस, चलो आई गॉट इट, इसको हमने ग्रेड दिया ए और इसको ग्रेड दिया इधर से बी। ओके क्वेश्चन क्लियर हुआ, अब इस ग्रेड के ऊपर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर हम लोगों ने इसके ऊपर वी लुकअप ट्राई किया, क्या ट्राई किया, वी लुकअप, करेक्ट, आप मुझे सेल्समैन का नाम देंगे, करेक्ट ना, आप मुझे क्या देंगे, सेल्समैन का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल आपने सेल्समैन का नाम दिया पूजा, जैसे ही पूजा बोला तो मुझे बाकी का डेटा आना चाहिए। अब क्या करते हैं, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू विल बी दिस पूजा कॉमा, ये क्या हुआ मेरा टेबल एरे कॉमा कॉलम नंबर क्या, सेकंड, बिकॉज ये आइए ना रिकॉर्ड, सो अब मैं सेकंड नहीं लिखता, यहां पे लिखता हूं 2, 3, 4, 5, क्या लिखा 2, 3, 4, 5 और उसके बाद मैंने बोला इसको एग्जैक्ट मैच करो। नाउ इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग एंटर बटन आई जस्ट प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर, करेक्ट, ये फॉर्मूले ने एक कैलकुलेट किया, बट व्हेन आई प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर तो ये क्या कर दिया, कॉलम नंबर 2, 3, 4 लाइक डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया कंट्रोल शिफ्ट एंड, तो वन स्ट्रोक में मुझे सारे आंसर आ गए, क्या गए, वन स्ट्रोक में सारे आंसर आ गए। सो दैट इज वी कॉल इट एज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेशन ऑफ एरे। तो एरे अकेला नहीं काम करता, आपने देखा यहाँ पे भी एरे, लेकिन ये अकेला काम नहीं कर सकता, इट रिक्वायर्स सम फॉर्मूला, किसी के साथ क्लब करनी पड़ती है, नहीं तो वो अकेले काम नहीं करता। चलो लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल विद एरे,
और एक देखते हैं, समझ में आया याद करो, नहीं आया लीव इट एज इट इज, कोई ऑप्शन नहीं है। सपोज मैंने यहाँ पे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का हम फॉर्म भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं, ऑनलाइन। आप में से किसी ने ऑनलाइन जॉब का कभी फॉर्म भरा है? नेवर, कुछ सुना ऐसा, कुछ सुना भी नहीं। क्या कैसे भरते हैं? ओके चलो, साइड पे जाके जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है वो फीड कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल नेम, सो बंदे ने अपना नाम लिखा शिरीष। अब उनको ये नाम ऐसे नहीं लिखना होता है, उनका नाम क्या होता है, एक एक बॉक्स में लिखना होता है। आई डोंट नो आपने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, बट वो बॉक्स में तो लिखनी ही पड़ती है। नहीं देखा क्या आपने? हाँ है ना, और वो बॉक्स भी थोड़े छोटे कर देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। उनका वेट जो रहता है आई गेस अप्रॉक्सीमेटली, चलो 3 कर दिया ऐसे। आप लोगों ने एक भी फॉर्म ही नहीं भरा ऑनलाइन, दैट्स अ वेरी सरप्राइज गाइस। इवन आप आधार कार्ड या पैन कार्ड का कर दे, दैट्स आल्सो। इवन स्कूल में एडमिशन के टाइम, स्कूल में एडमिशन के टाइम पे भी था ऐसे, तो क्या नहीं बोलते नहीं भरा, स्कूल तो गए ना सब। हाँ तो वो टाइम पे भी ऐसे था। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये जो लिखा है ना वो एक एक करके बॉक्स में लाने का, एक एक करके। तो अब आपको लिखने का सिंपलेस्ट वे बताता हूँ, ऐसा लिखने का एस एच इजी। और अब एड्रेस लिखते इधर, क्या कैसा होता है एड्रेस पैराग्राफ के फॉर्मेट में, तो इतना बड़ा एड्रेस एक एक बॉक्स लिखने में, समझ में बात कुछ आई? सो अब इसको हेल्प के लिए बुलाते हैं। हमारी हेल्प करेगा कौन? अरे करें, कौन करेगा बोलो। अब इस एरे से हम हेल्प लेते हैं। सर कैसे हेल्प लेंगे? तो सबसे पहला मैं कुछ फॉर्मूला सिखाता हूँ जो आउट ऑफ द लिस्ट है हमारे, बट जिसको समझ में आया वो समझो, जिसे नहीं समझ में आया वो भी समझो। एंड द नेम ऑफ फॉर्मूला इज लेफ्ट राइट एंड मिड। अब मैंने बोला मुझे लेफ्ट साइड से 3 लेटर चाहिए, प्लीज पे अटेंशन, क्या बोला बोलो, लेफ्ट साइड से। किसका लेफ्ट साइड? ये मेरा टेक्स्ट है, इसके लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर, क्या बोलो, लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर्स। सिमिलर वे मैंने इसे बोला सर मुझे राइट के 3 कैरेक्टर चाहिए, सो क्या लिखने का, राइट और इसके राइट के 3 कैरेक्टर। नहीं देखा? अब मैंने बोला सर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे आई के पास से 3 कैरेक्टर चाहिए। आई कहां से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से राइट से, मिड से स्टार्ट हो रहा है। ओके व्हाट इज माय क्वेश्चन, नो नो, आई के पास से 3 कैरेक्टर, 3 लेटर कहां से, आई के पास से, सो इक्वल टू क्या लिखेंगे, मिड। पहला क्वेश्चन, वेयर इज योर टेक्स्ट, दिस इज माय टेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, स्टार्ट फ्रॉम कहां से करना, आई ना, आई का पोजीशन, बिकॉज ये नंबर मांग रहा है, कैरेक्टर नहीं नंबर, सो आई कौन से पोजीशन पे है, थर्ड। हाउ मेनी कैरेक्टर डू यू वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट, 3, सो दैट इज 3, व्हाई 3 एंड 3, अंडरस्टैंड? ओके लेट मी क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर, आई गॉट आई आर आई, समझा। अब मैं वही कॉन्सेप्ट पे यहां पे काम करूंगा गाइस, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, एक बॉक्स में कितने लेटर, एक बॉक्स में एक ही लेटर। चलो यहां पे ट्राई कर लिया लेफ्ट, क्या ट्राई किया, और इसको बोला तू एक कैरेक्टर दे दे, आया क्या, फिर से मैंने बोला लेफ्ट, और इसको मैं फिर से बोलता हूँ तू कितने कैरेक्टर देगा, एक या दो, सेकंड, ओके ले लो सेकंड, ओ न्यू आंसर 2.1, व्हाट इज दैट सर, यहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट्स है, आप 2.1 कहाँ से देंगे, करेक्ट, और 1 दूंगा तो क्या होगा, इसका मतलब प्रॉब्लम हो रही है, नहीं, ओके चलो अब थोड़ा सोल्यूशन पे ढूंढते हैं गाइस। इक्वल टू क्या दिया, मिड, और मैंने बोला ये मेरा कैरेक्टर है, इसमें स्टार्ट कहां से करना, 1 से, एंड हाउ मेनी कैरेक्टर टू बी एक्सट्रैक्टेड, 1 1, समझा। वापस इधर मिड ये ले लिया, कॉमा, स्टार्ट कहां से करनी है, एच, माइन टेल मी द पोजीशन ऑफ एच, सेकेंड, हाउ मेनी कैरेक्टर, वॉट इज चेंजिंग, वो वाले में इसमें क्या चेंज हुआ, और अभी थर्ड टाइम में क्या करेंगे बोलो, इक्वल टू मिड दिस कॉमा 3, देन
तो चेंज क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज, कौन सा? ये मिड का जो सेकंड वाला पार्ट है ना, देखो यहाँ पे थ्री लिखा, इसके पहले टू लिखा था, इसके पहले वन लिखा था. दैट इज योर लॉजिक, दैट इज योर लॉजिक. अब मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू मिड, देखो सबको सेलेक्ट किया, डिस्ट्रीब्यूशन करना है. वेर इज योर टेक्स्ट? दिस इज माई टेक्स्ट, कॉमा, करेक्ट ना? स्टार्ट नंबर कहाँ से होना चाहिए? वन से, हमेशा वन से ही होता है क्या? चेंज होता है क्या? तो हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? हम जो हाँ, मतलब ये स्टार्ट नंबर ऑलवेज स्टार्ट जो पोजिशन होगा वो ऑलवेज चेंज होगा, एंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर विच इज रिक्वायर्ड दैट हैज टू बी ऑलवेज वन, बिकॉज एक सेल में एक ही मुझे चाहिए. दैट इज वॉट शी इज ऑल्सो टेलिंग, वो भी वही बोलेगी, है ना? सो यहाँ पे भी आने के बाद व्हाट आई डिड, मैं यहाँ पे लिखा 1, 2, 3, 4, 5. इसमें टोटल लेटर कितने हैं ये सीरीज वर्ड में? तो 5 के बाद कॉमा, 6 कॉमा, बट रिमेम्बर 7 सेल भी आपके सेलेक्ट होने चाहिए. ओके चलो ये हो गया गाइस, यहाँ तक समझा? कॉमा देन 1 दिया, बिकॉज एवरी टाइम आपके आउटपुट में तो एक ही सेल चाहिए. नाउ क्लोज इट, नाउ लेट्स गो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल शिफ्ट एंड इधर क्या आया? एक्स्ट्रा क्या बॉक्स सेलेक्ट हो गया था, अदरवाइज तो मेरा आंसर परफेक्ट. अब यहाँ पे इसके जगह पे हमने राज दिया, तो देखो टीना लिखा, तो सिमरन लिखा, तो एक बॉक्स में ऑटोमेटिक. सो ये भी काम कौन कर रहा है? अरे सो इस तरह से यू कैन अप्लाई दिस एरे ऑन एनीवेयर, यू कैन अप्लाई दिस एरे ऑन एनीवेयर. तो एरे क्या करता है? कैलकुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? सो एरे को आप टेक्स्ट पे भी यूज कर सकते हो, नंबर पे भी यूज कर सकते हो, डिपेंड्स आपकी नीड क्या है, या डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज कर सकते हैं. बट रिमेंबर एरे का शॉर्टकट की क्या? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वॉट एंटर, जब एरे को बुलाना होगा तो ये. ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर, नहीं तो अदरवाइज एरे काम नहीं करता. आई होप क्लियर एवरीवन, करेक्ट? सो लेट अस स्टॉप टुडेज सेशन ऑफ एरे, यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ. स्टार्ट टुडेज टॉपिक इज योर एरे.